नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक छोटे स्टॉक के बारे में, एक पैनी स्टॉक के बारे में, और इसके लिए दो बड़ी अपडेट आ रही है, दोनों एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले स्टॉक का नाम बता दूं, स्टॉक का नाम है विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इसका भाव केवल ₹1.13 का है। इस शेयर में फ्राइडे के सेशन में लगभग 4.5% की तेजी देखने को मिली है आप सभी को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जैसे कि आप सभी को क्लियरली दिख रहा है पैनी स्टॉक है, और इस पे फोर्ब्स की तरफ से, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, फोर्ब्स की तरफ से 13 जुलाई 2023 को एक बड़ी कहीं ना कहीं कवरेज स्टार्ट हुई है, जहां पे फोर्ब्स ने पैनी स्टॉक जो है भारत के, उनकी लिस्ट निकाली है और उन टॉप 10 स्टॉक्स में इसका नाम शुमार है। मैं आप सभी के साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूं, जहां पे आप इजीली पढ़ सकते हैं कि विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 74 पैसे के भाव पर फोर्ब्स ने अपनी मल्टी जो पैनी स्टॉक्स की लिस्ट है उसमें इसको इंक्लूड कर रखा था। हालांकि अभी इस स्टॉक का भाव ₹1.13 का हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, BSE पे अगर आप जाएंगे तो एक इंटरेस्टिंग अपडेट भी आपको आते हुए दिख रही है विसागर फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक की तरफ से। अगर आप BSE पे जाके पढ़ते हैं तो वहां पे क्लियरली आपको एक PDF मिलेगा जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि EOI फ्रॉम अलायंस ग्लोबल ब्लैंको लिमिटेड, अ वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रॉम UK। तो UK की एक कंपनी जिसका नाम है वेल्थ एंड एसेट ग्लोबल ब्लैंको, नाम है अलायंस ग्लोबल ब्लैंको लिमिटेड, जो कि वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है UK की, वो एक्सप्रेसिंग देयर इंटेंट इन एक्वायरिंग ए स्टेक अप टू 24% इन द कंपनी। तो ये जो ग्लोबल ब्लैंको लिमिटेड कंपनी है, ये इस विसागर फाइनेंस वाली कंपनी में, मैं एग्जैक्टली आपके साथ चीजें भी शेयर कर रहा हूं, साथ के साथ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज में 24% का स्टेक कहीं ना कहीं खरीदने की सोच रहे हैं। UK बेस्ड कंपनी है, वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका नाम है ग्लोबल ब्लैंको लिमिटेड। ये विसागर फाइनेंशियल में 24% का स्टेक ओन कर सकती है, खरीद सकती है। इस तरीके का उन्होंने EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर किया है। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है स्पेनी स्टॉक के लिए, दो एक साथ, मतलब एक के ऊपर एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं। तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको रडार पे रखना चाहिए। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपनी रिस्क को देखते हुए स्टॉक में बाय या सेल करें। थैंक यू सो मच।